सोलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है, तब भी आप फोन पे एप्लीकेशन से रेफर करके आप पैसा कैसे अर्न करेंगे, ₹200 पर डे कैसे अर्न करेंगे। देख सकते हैं, जैसे मैं पे ₹200 पर डे अर्न कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते 6 घंटा पहले मुझे यहाँ पे ₹200 कैशबैक मिला है, फिर यहाँ पे 13 घंटा पहले गए मुझे यहाँ पे ₹200 कैशबैक मिला है, फिर गए यहाँ पे 1 दिन पहले मुझे 200 मिला है, फिर 1 दिन पहले मुझे यहाँ पे ₹200 मिला है। इस तरीके से गए आप यहाँ पे देख सकते मुझे यहाँ पे ₹200 यहाँ पर डे मिल रहा है, पर डे मुझे पे ₹200 मिल रहा है। तो गैस, अगर आप भी अर्न करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, आपके पास ना तो बैंक अकाउंट है ना तो आपके पास एटीएम कार्ड है, फिर भी आप फोन पे एप्लीकेशन से बिना एटीएम कार्ड बिना बैंक अकाउंट के आप रेफर करके पैसा कैसे कमाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा फुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाले हैं, क्योंकि गैस बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो कि उनके पास ना तो बैंक अकाउंट है ना तो एटीएम कार्ड है, फिर भी वो पैसा कमाना चाहते हैं फोन पे एप्लीकेशन से रेफर करके, लेकिन उनको नहीं पता है कि कैसे रेफर करके पैसा कमाया जाता है फोन पे एप्लीकेशन से बिना एटीएम बैंक अकाउंट के। तो हम आपको बताने वाले हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे नए नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आप बिना एटीएम कार्ड बिना बैंक अकाउंट के आप फोन पे से रेफर करके आप ₹200 पर डे अर्न कैसे करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले यहां से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, अगर गाइस आपके फोन में फोन पे एप्लीकेशन है तो आपको ओपन करना है, अगर गाइस आपके फोन में फोन पे एप्लीकेशन नहीं है तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लें। अगर आप वहां से फर्स्ट टाइम डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पर ₹200 तक का कैशबैक मिलेगा। तो आप जैसे वहां से डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद में आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ पे इस तरीके से गाइस आपका फोन पे एप्लीकेशन होगा, सिंपली आपको अपने फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। तो आप जैसे अपने फोन पे एप्लीकेशन को इस तरीके से ओपन कर देंगे तो आपका जो फोन पे एप्लीकेशन है इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आएगा, यहाँ पे इंटर योर मोबाइल नंबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने जिस मोबाइल नंबर से आप अपना फोन पे अकाउंट बनाना चाहते हैं, आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है उस नंबर से, तब भी अपने फोन पे अकाउंट को आप बनाना चाहते हैं तो आपको उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए गाइस, हम से क्या करेंगे, उस मोबाइल नंबर को हमें यहाँ पे डाल देंगे। आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जिससे आपका ना तो बैंक अकाउंट है ना तो एटीएम कार्ड है, आपके पास ना तो एटीएम कार्ड है ना तो डेबिट कार्ड है, आपके पास जो मोबाइल नंबर हो आप अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे डाल दें। देख सकते जैसे मोबाइल नंबर को डालना है 9545, यहाँ पे मेरा जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे देख सकते हम इंटर कर दे रहे हैं, यहाँ पे मेरा जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर डालने के बाद में कैसे आपको सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, तो आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपके इस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पे ओटीपी आता है। तो फाइनली कैसे यहाँ पे ओपीटी आ चुका है, ओपीटी यहाँ पे ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो चुका है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो ओटीपी यहाँ पे आ चुका है, ओपीटी ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो चुका है। अब आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते आपको अलाउ का ऑप्शन आएगा, तो आपको अलाउ पे क्लिक कर देना। आप जैसे अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो फोनपे अकाउंट है यहाँ से सक्सेसफुली बन चुका है, ना तो आपके पास एटीएम कार्ड है ना तो डेबिट कार्ड है, फिर भी आपका यहाँ पे फोनपे अकाउंट सक्सेसफुली बन चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, देख सकते यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप इस पर क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, हमसे क्या करेंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने के बाद में कि सब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अगर आप फर्स्ट टाइम अपने नंबर से अपना यहाँ फोन पे अकाउंट बना रहे हैं तो आप हो चुके हैं। अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, जब गाइस आप यहाँ पे नई अकाउंट बनाएंगे अपने फोन पे एप्लीकेशन में अपना नया अकाउंट बनाएंगे तो आपको एक केवाईसी करना पड़ेगा, तो आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर लें। आपको सिंपली यहाँ पे वॉलेट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे केवाईसी का ऑप्शन आएगा, तो आप अपना केवाईसी वहाँ से आप कर सकते हैं, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट दे करके आप वहाँ से केवाईसी कर लें। जब आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा तो आप इससे पैसा कैसे अर्न करेंगे, इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे स्वाइप करते हुए नीचे आना, स्वाइप करते हुए नीचे आने के बाद में गाइस अब आपको सिंपली यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, फोन पे वॉलेट रिवार्ड और यहाँ पे इनवाइट नाउ का। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको इनवाइट नाउ पे क्लिक करना है। तो आप जैसे इनवाइट नाउ पे क्लिक कर देंगे तो अब आपको कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में गाइस आपका यहाँ पे जो इनवाइट नाउ वाला ऑप्शन इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते मेरा जो इनवाइट नाउ वाला ऑप्शन यहाँ से ओपन होकर के आ चुका है, अर्न 200 इनवाइट योर फ्रेंड टू फोन पे एंड गेट 200 कैशबैक बिन द 2-3 फर्स्ट UPI पेमेंट। मतलब कह रहा कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड या किसी अपने रिलेटिव के व्हाट्सअप या किसी भी सोशल मीडिया के जरिए अपने इस लिंक को शेयर करते हैं, अगर आपका फ्रेंड आपके इस लिंक से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है, डाउनलोड करने के बाद में अपना बैंक अकाउंट लिंक करता है, अपना बैंक अकाउंट लिंक करने के बाद में अपनी
UPI या अपना मोबाइल रिचार्ज करता है फर्स्ट टाइम, तो आपको यहाँ पे 200 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा। क्योंकि सर इसमें क्राइटेरिया नहीं कि आपके पास बैंक अकाउंट हो या ना हो, आप रेफर कर रहे हैं तो आपके पास चाहे बैंक अकाउंट हो या ना हो, आप ये जो कैशबैक मिलेगा आपके वॉलेट में मिलेगा, आपके फ़ोनपे गिफ्ट कार्ड में मिलेगा। तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो भी आप रेफर कर सकते हैं, बस आप जो बंदा डाउनलोड करेगा उसके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए तभी आपको कैशबैक मिलेगा। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन जो बंदा डाउनलोड करेगा उसके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो आप रेफर कैसे करेंगे, सिंपली आप यहां पर देख सकते हैं, आपको यहां पे बहुत सारे सोशल मीडिया में आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोर का ऑप्शन मिलेगा। तो आप व्हाट्सएप, फेसबुक के थ्रू आप रेफर कर सकते हैं। और आपको पैसा कहां पे मिलेगा, आपको यहां पे बैक आना, बैक आने के बाद में आपको यहां पे ऑप्शन होगा फोनपे वॉलेट का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो देख सकते अभी तक हम अपने फोनपे वॉलेट से यहां पे 5,259 रुपये अर्न किए हैं, जो कि फोनपे वॉलेट में मिला। लेकिन अभी कुछ जल्दी एक अपडेट आया कि आप जो कैशबैक मिलेगा आपके फोनपे वॉलेट में नहीं मिलेगा, आपके फोनपे गिफ्ट कार्ड में मिलेगा। तो आपको फोनपे गिफ्ट कार्ड में पैसा मिलेगा, तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपका जो पैसा है आपको कहाँ पे मिलेगा। इसके लिए आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है, प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे व्यू ऑल पेमेंट मेथड्स पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा आपका फोनपे गिफ्ट कार्ड वाला, तो आप जो रेफर करेंगे आपका पैसा यहीं पर मिलेगा। तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पे अभी हम देख सकते मुझे अभी यहाँ पे 2200 रुपये मिला है। तो अगर आप भी अर्न करना चाहते हो तो आप इस तरीके से अर्न कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपके पास ना तो बैंक अकाउंट है ना तो गाइस आपके पास एटीएम कार्ड है, फिर भी आप फोन पे एप्लीकेशन से रेफर करके पैसा अर्न कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।